जी की हत्या हुई थी, मेरे 90 साल के पिता की हत्या हुई थी और मेरे भाई की हुई थी, लेकिन भाजपा में सुरेंद्र प्रसाद सिंह के शहादत दिवस पर रईस खान का भव्य स्वागत, जेसीबी से हुई पुष्पवर्षा। तिलौथो स्थानीय प्रखंड के चितौली गांव में भाकपा माले नेता और अमर शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह का 27वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिवान से प्रसिद्ध समाजसेवी रईस खान अपने बड़े काफिले के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। रईस खान का तिलौथो के जगदेव चौक पर भव्य स्वागत किया गया। युवाओं ने जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा कर और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। रईस खान देर शाम अपने लंबी गाड़ियों के काफिलों के साथ तिलौथो पहुंचे, जिसके कारण कुछ देर के लिए बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद उन्हें युवाओं की टोली ने जगदेव चौक से चितौली गांव तक पहुंचाया। चितौली पहुंचने पर रईस खान ने शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। काफिले के साथ तिलौथो में प्रवेश करने के बाद बाजार में काफी हलचल देखी गई। शहीद दिवस के इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जहां रईस खान ने शहीद को नमन करते हुए उनकी कुर्बानी को याद किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रईस खान ने तिलौथो के जायका रेस्टोरेंट में आम जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। रईस खान जिंदाबाद, 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 रईस खान जिंदाबाद, 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 रईस खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्या हुई थी, इसी दिन पार्टी के हम नेता थे, हमारे 4 साल के बच्चों के हौसला है और ये आने वाले दिन में बिहार को भाई आदरणीय कक्कू खान जी समेत मंचासीन बहुत सारे एक से एक सितारा, कोई कहीं से चेयरमैन, कोई जिला पार्षद, कोई प्रमुख और तमाम तरह लोग। और सबसे खास बात यह है संविधान के एक पक्तियों से पता चलता है कि कोई सुरेंद्र बोल रहा है। बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं मारा जाता और कभी नहीं मरता। सदियों से जालिम मरते चले आए हैं, कयामत तक जालिम की मौत होगी। सुरेंद्र कल भी जिंदा था, सुरेंद्र आज भी जिंदा है, कयामत तक सुरेंद्र जिंदा रहेगा। अगर कुछ बनना है, कुछ बदलाव लाना है, तो हमें सुरेंद्र बनना होगा, वरना ऐसी तमाम तो महफिलें सस्ती रहेंगी, कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा। जात के नाम पे लड़ना हम लोगों को बंद करना होगा, धर्म के नाम पे लड़ना हमको बंद करना होगा। चुनाव के वक्त में जाति, क्षेत्रवाद और तमाम तक चीजों से ऊपर उठ के ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो सुरेंद्र की विचारधाराओं पर चलता होगा, वरना ऐसे तमाम पूंजीपतियों को हम जूते की नोक पर रखते हैं, जिनको सरकार अपना टिकट देकर भेज रही है। याद रखना होगा, अगर चाहते हैं कि सुरेंद्र से लोगों की विचारधारा जिंदा रहे, तो हमको ये प्रयास करना होगा कि पूंजीपति और तमाम जात और धर्म वाले नेताओं को बहुत दूर भगाने की जरूरत है। आज में किसी भी जात, किसी भी धर्म के बच्चों के हाथ में तलवार देने से पहले हमें किताब देने की जरूरत है। गीता के एकता के स्लोगन को पढ़ाना है, कुरान के एकता के स्लोगन को पढ़ाना है, बाबा भीमराव अंबेडकर की ताकत देनी है कि जब जब जालिम जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब ढूंढ उठेगा इंकलाब के नारों से। जरूरत है इस मुल्क को आजादी की। 1947 की आजादी 1857 की गारंटी से थी, उसके बाद जब इस देश को जरूरत पड़ी तो फिर से 1984 में जेपी मूवमेंट के नाम से पटना में सत्ता में बैठी सरकारों को आंख दिखाया था कि अगर तुम सत्ता में बैठ कर जुल्म कर रहे हो तो तुम्हारी सत्ता को हम ठोकर पे रखते हैं। आज जरूरत फिर से आन पड़ी है मुल्कों को आजादी की। आज जो आजाद देश की गुलामी हिंदू मुस्लिम की नफरत में जकड़ी हुई है, उसको हम लोगों को एकता की जंजीर से आजाद करना है।